गणित की कॉपी चेकिंग में एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व किया और एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इनका आंसर अलग आया, मतलब जो किताब में था इस क्वेश्चन का आंसर जो किताब में था वो यहाँ पे नहीं आया, और इन स्टूडेंट का जो किताब में आंसर था वो आ गया। मतलब कि किस आंसर पे नंबर दिए जाएंगे, जैसे आपने ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, तो सब कुछ सही सही किया है, लेकिन आपका आंसर किताब में जो आंसर था वो नहीं मैच किया, तो ऐसे में क्या टीचर क्या देखते हैं कॉपी चेकिंग के दौरान, क्या आंसर देख के नंबर दिए जाते हैं आपको, या तो आपका जो आप सॉल्व किए वो सॉल्व करने के तरीका को देख के आपको नंबर दिए जाते हैं? अगर आंसर देख के नंबर दिए जाते हैं तो आप मान लीजिए गलत भी बीच में सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आप सही लिख देते हैं, तो क्या आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे? और अगर आपने सॉल्यूशन सही किया है, सॉल्व सही किया है, लेकिन आंसर गलत हो गया, आंसर आपका मैच नहीं किया किताब में जो आंसर था, तो क्या आपको उस क्वेश्चन का नंबर नहीं दिए जाएंगे, जीरो नंबर दिए जाएंगे? ये स्टूडेंट का एक सवाल था, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दो स्टूडेंट की कॉपी लेके आए हैं, दोनों सेम क्वेश्चन का आंसर दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, हल किया है, इनका देखिए सॉल्व करने का तरीका सही है और आंसर भी इनका सही आया है, समझ रहे हैं, आंसर भी सही आया, सॉल्व करने का तरीका भी सही आया, लेकिन इनका सॉल्व करने का तरीका सही है लेकिन आंसर इनका किताबी आंसर जो किताब में आंसर था, जो बुक में आंसर था वो नहीं आया, मतलब कि ये भी सही सही लिख सॉल्व किया है और ये भी सही सही सॉल्व किया है, लेकिन इनका आंसर कुछ अलग आया है और इनका आंसर अलग आया है। तो कॉपी चेकिंग के दौरान किस कॉपी पे नंबर कट कर लिया जाएगा, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आइए यहाँ पे समझिए। देखिए इन्होंने सॉल्व जो किया है ये बिल्कुल सही सही किया है, फॉर्मूला भी यहाँ पे साइड में लिखा जो जो अप्लाई किया, और यहाँ पे आंसर इनका जो आया वो किताब में आंसर मैच कर गया, तो इनको तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने भी सही सही किया है सॉल्व, लेकिन इनका आंसर कुछ अलग आया, तो इनका क्या होगा, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए अगर आपका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए, अगर आपका ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, फॉर्मूला भी आप सही सही अप्लाई किया है, सब कुछ सही है, लेकिन आपका आंसर नहीं मैच किया अलग आया, और ये भी सब कुछ सही है आंसर आ गया, तो इसके तो फुल मार्क्स मिलेगा ही, इसको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, क्योंकि इसका आंसर सेम टू सेम सही सही आया है, कहीं भी गलती नहीं है, कहीं भी मिस्टेक नहीं है, इसको पूरे के पूरे नंबर दे दिया जाएगा। अब कहेंगे सर इनका क्या होगा, तो इनको भी फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, पूरे के पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग के दौरान आंसर सिर्फ नहीं देख के नंबर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ये सभी पूरा गलत है और लास्ट में बच्चा लिख दिया आंसर सही सही लिख दिया, मान लीजिए ये इस क्वेश्चन का आंसर वो रट लगा के गया था, मतलब याद करके गया था और नहीं जानता था क्वेश्चन सॉल्व करने, बीच में गलती जल्दी जैसे तैसे गलत सलत सॉल्व किया और लास्ट में आंसर लिख दिया, तो इस क्वेश्चन के उसको नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कॉपी चेकिंग के दौरान एक एक स्टेप पे देखा जाता है, चाहे आंसर आपका मतलब कि किताबी आंसर आया हो या ना आया हो, किताब में मैच किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आपका ये सही है, सब कुछ सही है, यहाँ तक एकदम सही है, तो इस क्वेश्चन का आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। कॉपी चेकिंग के दौरान आंसर देख के ही सिर्फ नंबर नहीं दिया जाता है, बल्कि एक्सप्लेनेशन और आंसर दोनों देखता है, एक्सप्लेनेशन सही है, आंसर मैच नहीं किया किताब में, कोई बात नहीं, आपको उस क्वेश्चन का नंबर फुल मार्क्स दिए जाएंगे और इनको भी फुल मार्क्स दिए जाएंगे।